सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, उस सीएसएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 2000 आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो आपको वैकेंसी मिलने वाली है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा, केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। कितने यहाँ पर आपके हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती में जाना होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा, वो सीएसएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। जो इसमें आपको वैकेंसी दी गई टोटल 2000 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम होगा टोटल, आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई है, जीडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल प्लस आपको यहाँ पर एक प्रकार की और वैकेंसी दी गई, जिसका नाम है एसआई, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, केवल ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपका हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और आप नॉर्थ इनर जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, 80+5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल वैकेंसी के लिए सिंपल 12वीं पास होना अनिवार्य है, बट आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आपको यहाँ पर आना चाहिए। और जीडी कांस्टेबल के लिए आप 10वीं पास से आवेदन करेंगे। और डिग्री अगर आपके पास है, तो आप एसआई की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की बात करें, ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, 35,000 से लेकर 112,400 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फीस होगा, तो जनरल यूआर ओबीसी के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना होगा। एसएसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो फीस पे करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप यहाँ पर इसको पे भी कर पाएंगे। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 30 के बीच में अगर आप किए, तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 33 ईयर, एसएसटी कैंडिडेट 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आप किए जाए, तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। एज जो काउंट की जाएगी, 1 दिसंबर तक की जाएगी, यानी कि 1 दिसंबर को आप किए जाए, तो 18 से कम हो, ना 30 से ज्यादा हो, यानी कि आपको जो छूट दी गई है, एसएसटी वालों को 5 रुपये की दी गई है, ओबीसी वालों को आपको यहां पर 3 रुपये की छूट दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप हमारे सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन या फिर ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको इस भर्ती की सभी जानकारी प्रोवाइड की गई है।
है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ से करना होगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप न्यूज कटिंग डाउनलोड करना चाहते हैं और फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर इस भर्ती का न्यूज कटिंग डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला नोटिस आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे सीएसएम में 2000 पदों पर भर्ती होंगे कॉन्स्टेबल व सब इंस्पेक्टर। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, आपको यहाँ पर सभी जानकारी प्रोवाइड की गई है। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अभी तक यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हुआ, यानी कि नहीं आया है। तो जैसे ही होगा तो मैं आपके लिए कल इस वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करने, कैसे आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। लेकिन जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट है उस हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड की गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।